ना तो ओवन की ज़रूरत है ना कुकर की, और तो और ये फटाफट मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है और देखते ही खाने का मन करता है। आप चाहें तो इसे बर्थडे में बनाएं या फिर किसी एनिवर्सरी में बनाएं या फिर किसी त्यौहार में बनाएं, ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा और मेहमान भी इसे खुशी खुशी खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजू और आपका मेरे चैनल सात्विक कढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे लॉकडाउन स्पेशल नो बेक ओरियो क्रीम केक। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उस पर एक छोटा सा बर्तन रखेंगे। अब इसमें हम एक कप पानी डालेंगे। अब इसमें हम पानी का आधा यानी कि आधा कप चीनी डालेंगे और इसे मेल्ट होने तक उबलने देंगे। चीनी मेल्ट होने लगा है, ये देखिए। इस चाशनी को हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, यानी कि 2-3 मिनट ही उबालेंगे। तार नहीं बनना चाहिए, एक पतला सा सिरप बनना चाहिए। अब ये सिरप बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। पहले हम इसे चेक कर लेंगे, ये देखिए हाथ पे चिपचिपा सा थोड़ा सा लगना चाहिए। अब इसे हम हटाकर एक किनारे रख देंगे और इस पर फिर से एक दूसरा पैन चढ़ाएंगे। पैन में हम 2 कप दूध डालेंगे। आप कोई भी एक मेजरमेंट ले लें, आप उसी से मेजर करें। अब हम दूध को उबलने देंगे। अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। अब चीनी को भी घुलने देंगे। आप चाहें तो इसमें पीसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं। अब हम 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। आप कस्टर्ड फ्लेवर का बनाना चाहते हैं तो आप 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लें। अब हम कॉर्नफ्लोर को ठंडे दूध से यानी कि जो दूध रूम टेम्परेचर पे हो उसे घोल लेंगे। ठंडे दूध से इसलिए हम घोलते हैं कि इसमें लम्स ना पड़े, गर्म दूध से लम्स पड़ जाते हैं। ये देखिए कॉर्नफ्लोर घुल चुका है, ऐसा ही घोल रहना चाहिए। इधर दूध भी उबल चुका है। अब हम दूध में कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से पहले घोल को एक बार चला देंगे क्योंकि ये तले में बैठ जाता है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर का घोल थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और लगातार चलाते जाएंगे। घोल को अगर हमने एक बार दूध में डाल दिया तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालते ही दूध गाढ़ा होने लगा है। दूध को हम लगातार चलाते हुए क्रीमी टेक्सचर आने तक उबालेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं या फिर वनीला एसेंस भी मिला सकते हैं। अब हम इसे कड़छी पर रख के चेक करेंगे। एक सीधा लाइन बन रहा है, इसका मतलब बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें 1 टेबल स्पून बटर मिला देंगे। बटर मिलाने से ये ग्लॉसी हो जाता है। अब हम चलाते हुए बटर को मेल्ट होने देंगे। अब बटर मेल्ट हो चुका है और दूध भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। दूध को हम करछी पे उठा के देखेंगे, ये देखिए ऐसी परत बननी चाहिए और इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ठंडा होने पर ये और भी गाढ़ा बनेगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक हम रेक्टेंगुलर बाउल लेंगे। आप किसी भी शेप का बाउल ले सकते हैं या फिर राउंड शेप लें, आपके पास जो भी बाउल उपलब्ध हो आप वही लें या फिर केक टिन भी ले सकते हैं। अब हम रस्क का एक पैकेट लेंगे। रस्क जिसे हम टोस्टी भी बोलते हैं। अब इसकी हम एक परत बिछा देंगे। अगर आपके पास टोस्टी नहीं है तो इसकी जगह पर आप कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट लगा सकते हैं। अगर आपके पास टोस्टी है तो ज़्यादा बेहतर होता है और केक का टेस्ट देता है। जो भी खाली जगह है उसमें टोस्टी को तोड़ तोड़ कर अरेंज कर लें। अब हम इसके ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप ठंडा नहीं होना चाहिए, ये गर्म ही रहना चाहिए। गर्म रहेगा तभी ये सॉफ्ट और जूसी बनेगा।
सिरप को हम पूरी टोस्टी पे ही एक बराबर से डालेंगे। सिरप में भी आप चाहें तो इलायची का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। पूरे टोस्टी पे हमने सिरप डाल दिया है। अब इस पे हमने जो दूध का बैटर तैयार किया था वो डालेंगे, उसे भी एक सार फैला देंगे। कहीं से भी बैटर छूटना नहीं चाहिए। ये देखिए पूरे टोस्टी पे बैटर लग चुका है। अब हम 2 पैकेट ओरियो बिस्किट लेंगे और इस पे भी एक लाइन से हम ओरियो बिस्कुट को लगा देंगे। आप बिस्किट को 2 तरह से लगा सकते हैं, या तो आप हाफ करके लगाएं या फिर डबल ही लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी दूसरे फ्लेवर का केक बनाना चाहते हैं तो उसी फ्लेवर का बिस्किट लगा दें, इसमें कोई भी गैप नहीं बचना चाहिए। जो भी गैप हो उसमें बिस्किट को तोड़ तोड़ के अरेंज कर दें। अब इसमें बचा हुआ बैटर जो है लेयर लगा देंगे और इसे फिर से बराबर से फैला देंगे। अगर आप मोटा लेयर लगाना चाहते हैं तो मोटा लेयर भी लगा सकते हैं। बिस्किट के हर गैप में हम बैटर को भर देंगे। अब हम टोस्टी का दूसरा लेयर लगाएंगे। अब टोस्टी का दूसरा लेयर भी लग चुका है, इसके भी गैप को हमने भर दिया है। अब हम बचा हुआ शुगर सिरप फिर से डाल देंगे इसके ऊपर, एक बराबर से डालेंगे। अगर सिरप एक बराबर नहीं पड़ा तो कहीं मीठा और कहीं फीका हो जाएगा, और कहीं जूसी लगेगा और कहीं सूखा भी लगेगा। अब हम 400 ml क्रीम लेंगे। हमने अमूल क्रीम का 250 ml का 2 पैकेट लिया है और 4 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क लेंगे। क्रीम में कंडेंस्ड मिल्क डालकर फेंट लेंगे। पहले हम 2 चम्मच डालेंगे, उसके बाद हम बीटर की सहायता से इसे फेंट लेंगे। आप क्रीम को पहले से भी फेंट कर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर से भी फेंट सकते हैं। ये देखिए हमने ब्लेंडर से हैंड ब्लेंडर से फेंटा है, ये कितना फ्लफी हो गया है। बीटर से फेंटने में बहुत टाइम लगता है। फेंटने के बाद हमारा क्रीम तैयार हो चुका है। अब क्रीम में हम कुछ ओरियो बिस्किट यानी कि 3-4 बिस्किट को तोड़कर मिक्स कर देंगे। बिस्किट डालने के बाद इसे हम चम्मच की सहायता से मिक्स करेंगे। क्रीम को हमने चेक करके देखा, ये फीका लग रहा था, इसलिए हमने 2 बड़े चम्मच और कंडेंस्ड मिल्क मिला दिया था, यानी कि कुल मिलाकर हमने 4 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क मिलाया है। ये देखिए क्रीम भी तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और इसे भी अच्छे से फेंट लेंगे। अब क्रीम हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब क्रीम को हम थोड़ा थोड़ा करके टोस्टी के ऊपर लगाते जाएंगे। ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा चम्मच की सहायता से डाला और इसे चम्मच की ही सहायता से या फिर नाइफ की सहायता से एक बराबर कर लेंगे, जो देखने में सुंदर लगेगा। हमने सारा क्रीम डाल दिया है और एक बराबर से फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम ओरियो बिस्किट का 2 पार्ट करेंगे और केक को गार्निश कर देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा ओरियो बिस्किट है तो आप साबुत भी लगा सकते हैं। आप जैसा डिज़ाइन चाहें वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं और इसे डेकोरेट कर सकते हैं। पूरे केक पर हमने बिस्किट लगा दिया है और थोड़ा सा बिस्किट चूरा कर हमने बीच में डाल दिया है। अब इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे।
उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर तुरंत खाना चाहते हैं तो भी आप इसे काट कर खा सकते हैं। ये देखिए इसमें कितने अच्छे लेयर्स दिख रहे हैं। तो लीजिए, तैयार है जूसी क्रीमी नो बेक ओरियो केक। अगर आपको ओरियो केक की रेसिपी पसंद आई तो एक लाइक दे दें, जिससे और भी डिशेस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी नई नई रेसिपीज बनाने में मदद मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल पर आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।